है इसे शुभारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना संकट के दौरान पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जानवी और जहानवी का पूरे देश को दिया और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। 50,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को सूक्ष्म लघु मध्यम और प्रदेश में अनलॉक के बाद प्रारंभ हुए सभी बड़े उद्योगों में उन्हें व्यवस्थित रूप से समायोजित करने के साथ ही महिला आजीविका समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अंतर्गत 5,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों के सफलतापूर्वक नियोजन, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहत कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में विभिन्न परियोजनाओं में 10,00,000 से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण भी आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे, 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले, 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार की स्किल मैन पावर आई, 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। होम क्वारंटीन में भी 4,71,000 कामगार और श्रमिक अभी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 51 और अभी कोरोना से पीड़ित लगभग 1,000 एक्टिव केस अकेले प्रवासी कामगार और श्रमिकों का है। मनरेगा में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 62,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिक अकेले काम कर रहा है और इसमें ज्यादातर कामगार और श्रमिकों को कृषि, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सभी के साथ साथ कैंपा फंड के माध्यम से वृक्षारोपण के एक बृहद कार्यक्रम को प्रदेश ने लिया है। इन सभी कार्यक्रमों में इन्हें समाहित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और अब तक सफलतापूर्वक 15,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिक जो प्रवासी के रूप में प्रदेश में आए थे इन्हें इन योजनाओं के साथ काम दिया ही गया। साथ साथ महिला स्वयंसेवी समूहों में जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4,22,000 जो कामगार और श्रमिक वापस आए थे इनमें से 1,69,000 को आजीविका मिशन के अंतर्गत इन्हें सफलतापूर्वक समायोजित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में अनलॉक के बाद 7,80,000 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योगों को पुनः प्रारंभ करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहले चरण में 57,000 एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए का ऋण वितरण ये पहले ही किया जा चुका है और सफलतापूर्वक उन सभी इकाइयों के द्वारा अपना कार्य का संचालन भी आज के दिन पर प्रारंभ किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5,000 से अधिक कामगारों को टूल किट का भी वितरण हो रहा है। खासतौर पर इसमें वे जो टेलर मास्टर थे यहां प्रदेश में वापस आए, इसमें 1650 दर्जी या जरदोजी के कार्य से जुड़े हुए
जो टेलरिंग के कार्य से जुड़े हुए टेलर मास्टर हैं, 1088 धातु उद्योग, लोहार, सुनार आदि के कार्य से जुड़े हुए लोगों को, 250 सीसा उद्योग से, 120 दरी और कालीन उद्योग से जुड़े हुए, 1082 बढ़ई और फर्नीचर के कार्य से जुड़े हुए, 669 खाद्य प्रसंस्करण और हलवाई के कार्य से जुड़े हुए, 212 नाई, 137 टोकरी बुनकर, 120 माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार, 95 राजमिस्त्री और 112 फुटवेयर की मरम्मत आदि के कार्य से जुड़े हुए कारीगरों को भी यहां पर टूल किट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की कार्रवाई के बाद जो मार्गदर्शन पूरे देश को दिया, उसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। होम क्वारंटीन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन सभी कामगार और श्रमिकों को सफलतापूर्वक कार्य उपलब्ध कराने और उनके नियोजन करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के लिए आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया रिमोट द्वारा अनावरण कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करें। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी दो बार
निःशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया। इससे प्रदेश में उपलब्धता बढ़ी एवं अन्य प्रदेशों में भी आपूर्ति की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों, ईंट भट्ठों और कोल्ड स्टोरेजों के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार दिया गया। राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। देश में पहली बार कामगारों एवं श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से रोजगार की तुरंत आवश्यकता वाले कामगारों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए उत्तर प्रदेश के 31 जनपदों के चयन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। भारत के सुदूर अंचलों से वापस लौटे श्रमिक तथा कुछ स्थानीय ग्रामीण माननीय प्रधानमंत्री जी से अब वार्तालाप करेंगे। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद के लिए हलधरमऊ विकास खंड कमालपुर जनपद गोंडा की सुश्री विनीता पाल को आमंत्रित करता हूं।